हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंडर कंसीलर एंड मेबलिन फिट मी कंसीलर। दोनों कंसीलर के बीच में क्या डिफरेंस है, उन दोनों का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि दोनों जो कंसीलर है, मेबलिन एज रिवाइंडर कंसीलर एंड मेबलिन फिट मी कंसीलर, दोनों ही मेबलिन कंपनी के कंसीलर है जो कि न्यूयॉर्क ब्रांड है। और इन दोनों कंसीलर की अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो ये दोनों कंसीलर जो है एक प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं। ये पूरी प्लास्टिक कंसीलर की बॉटल आती है और यहाँ पे जो है ये फाइबर इसका कैप आता है और इसकी भी ये प्लास्टिक पैकेजिंग आती है। दोनों कंसीलर की अगर मैं शेड की बात करूं तो इस एज इंस्टेंट एज रिवाइंडर ने जो है 8 शेड में लॉन्च किया है और इसने जो है मेबलिन फिट मी कंसीलर ने जो है 6 शेड के अंदर लॉन्च किया है। अगर बात करूं इनकी प्राइस की तो मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंडर की जो प्राइस है वो 620 रुपीज़ है और मेबलिन फिट मी कंसीलर की प्राइस की बात करूं तो 475 रुपीज़ है। और अगर इनके प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करूं तो मेबलिन फिट मी कंसीलर में जो आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो 6.8 ml मिलती है और एज रिमाइंडर कंसीलर के अंदर आपको मिलती है 6 ml, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ये लेस प्राइस में और क्वांटिटी ज़्यादा देता है। और इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है बट इसमें जो क्वांटिटी है वो कम है। तो गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये कंसीलर कैसे वर्क करता है। अभी जो मेरा स्किन टोन है वो उसमें मेबलिन फिट मी कंसीलर में मैंने जो शेड परचेस कर रखा है वो है मीडियम, और एज रिमाइंडर के अंदर जो मैंने शेड परचेस कर रखा है वो है, और इंस्टेंट एज रिवाइंडर के अंदर जो मेरा शेड है वो है हनी। तो गाइज, ये दोनों ही कंसीलर का जो शेड है मेरे स्किन टोन को बहुत अच्छे से मैच हुआ है। अगर आप लोग जो है मेरी स्किन टोन के हो तो आप फिट मी कंसीलर में जो है मीडियम शेड परचेस कर सकते हो, एज रिवाइंड के अंदर जो है आप हनी शेड परचेस कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी एक डेमो जिसके अंदर आप जज कर पाओगे कि दोनों कंसीलर में क्या डिफरेंस है, और उसके साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंस्टेंट एज रिवाइंडर कंसीलर है वो सभी स्किन टोन वालों के लिए एकदम परफेक्ट मैच होता है, उसमें कोई ड्राइनेस वगैरह नहीं होती। जबकि ये जो कंसीलर है मेबलिन फिट मी कंसीलर, ये जो है एकदम मैट फिनिश देता है। अगर जिनकी ऑयली स्किन है या मीडियम स्किन टोन है तो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट जाएगा, लेकिन जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो वो कंसीलर परचेस नहीं करे। इन दोनों कंसीलर के बीच में डिफरेंस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि कंसीलर जो है बेसिकली हमारे डार्क स्पॉट को हटाने के लिए, अंडर आई एरिया पे जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं उनको हाइड करने के लिए, और कोई भी स्किन पर कोई डार्क पैचेस होते हैं या कोई भी डार्क स्पॉट होते हैं हमारे एक्ने के, उनको हाइड करने के लिए जो है हम कंसीलर यूज करते हैं। तो अगर हम कंसीलर यूज करते हैं तो हमारे फेस पर बहुत ही एक हाई डेफिनेशन मेकअप दिखता है और थोड़ा ब्राइटनेस दिखता है, थोड़ा हाईलाइट दिखता है हमारा अंडर आई एरिया, तो इसलिए हम जो है वो कंसीलर यूज करते हैं। तो हमें जो है बेस्ट से बेस्ट कंसीलर यूज करना चाहिए ताकि हमारा मेकअप जो है बहुत अच्छा दिखे। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डेमो दिखाने जा रही हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दोनों कंसीलर में से विच वन इज बेस्ट। तो गाइस, चलिए मेरे डेमो के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक पार्ट पर मेबलिन फिट मी कंसीलर अप्लाई करूंगी और दूसरे वाले पार्ट पर मैं मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंडर कंसीलर अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने एक पार्ट पर ये अप्लाई कर रही हूँ, अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूंगी इसे। इसके लिए हमें बार बार प्रोडक्ट जो है वो पिक करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो आपको कौन सा कंसीलर अप्लाई करने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और इस तरीके से मैं सेम अपने लिप्स के एरिया पर भी इसे अप्लाई कर लूंगी, एज यू कैन सी, और अपने आईज पर भी इसे अप्लाई कर लूंगी। अब ये जो है मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, मेरा ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट है, अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये जो कंसीलर है पूरा मैट फिनिश देता है, तो ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज भी होगा, तो आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं।
मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एज यू कैन सी आपको दिख रहा होगा। कुछ सेकंड के बाद में ये अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक अच्छी मैट फिनिश देगा। एज यू कैन सी मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने दूसरे पार्ट पर जो है इस एज रिमाइंडर कंसीलर को अप्लाई करूंगी। इसे इस तरीके से आपको घुमाना पड़ता है, देन प्रोडक्ट आता है। तो इसके साथ में ये जो ब्लेंडर है वो साथ में ही आता है। तो सबसे पहले आपको कंसीलर जहां जहां अप्लाई करना है आप इसको पिक करके अप्लाई कर सकते हो। आप देख रहे हो कितना लिटिल अमाउंट में ये बाहर आता है और वहीं से हम जैसे चाहे वैसे ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये जो ब्लेंडर इसके साथ में है वो मतलब ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। अगेन मैं इसे आईलेट पर अप्लाई कर लूंगी। एज यू कैन सी मैंने अपना कंसीलर जो है अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे अप्लाई करने के बाद मैं चाहूँ तो इसी से ही इसे ब्लेंड कर सकती हूँ, बट हम इससे जब ब्लेंड करते हैं तो मैंने एक चीज़ देखी वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है और थोड़ा पैचीनेस नज़र आता है। तो मैं इसे अगेन अपने दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से डैप करते हुए इसे सेट कर लूँगी। आपको सेम मैं यहाँ पर डिफरेंस दिखा रही हूँ इसलिए मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, मैंने दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है क्योंकि दोनों में जो मेरा शेड है वो अलग है। ये देखिए गाइज मैंने जो यहाँ पे है कंसीलर अच्छे से ब्लेंड करके अप्लाई कर लिया है। तो आप लोगों को डिफरेंस जो है बहुत इजीली दिख रहा होगा। और ये वाला पार्ट का जो कंसीलर मैंने मेबलिन फिट मी कंसीलर अप्लाई किया था वो भी ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो एज यू कैन आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैट फिनिश दे रहा है और एकदम से मैट हो चुका है। और ये वाला कंसीलर जो है वो मैट नहीं है, वो नॉर्मल है। ये वाला कंसीलर जो है वो सभी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये अगर जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ये बहुत थोड़ा ड्राईनेस दिखाई देगा। यू नो विंटर में आप इस फिट मी कंसीलर को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे ब्लेंडिंग पावर जो है इस कंसीलर की यानी एज रिमाइंडर की बहुत अच्छी लगी है। एकदम क्लोजली मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है स्किन में और हमें कोई बार बार प्रोडक्ट पिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसमें प्रोडक्ट पिक करने की ज़रूरत पड़ती है और इसे हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद भी मुझे इतना ब्लेंडिंग अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से मुझे इसका ब्लेंडिंग अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं डिफरेंस। सो गाइज अभी आपने मेरा डेमो देखा तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कौन सा कंसीलर जो है वो बेस्ट है। तो गाइज मैं अपनी साइड से जिस कंसीलर के लिए आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी वो है मेबलिन इंस्टेंट एज रिमाइंडर कंसीलर। बिकॉज ये जो कंसीलर है बहुत ही अच्छा ट्रेवल फ्रेंडली है। नो डाउट ट्रेवल फ्रेंडली जो है फिटनी कंसीलर भी है, बट यू नो आपको इसके साथ में एक कैप मिलता है, आपको पिक करने की जरूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट को, आप यहीं पर इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर सकते हो और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है हमें ऐसा। और हमारी स्किन को अंडर एरिया को मतलब आई के अंदर एरिया को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है और मतलब बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके और इसमें शेड भी बहुत ज़्यादा है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती चूज़ करने के लिए। तो मेरी साइड से नो डाउट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बट इसमें शेड भी बहुत ज़्यादा है। तो एज मुझे ये कंसीलर बहुत अच्छा लगा। अगर आप इन दोनों कंसीलर के अंदर कन्फ्यूज़ हो जिनका ड्राई स्किन है तो आप ये कंसीलर ले सकते हो। ऑल स्किन टाइप के लिए भी आप ये कंसीलर ले सकते हो जिनका ऑयली और मीडियम स्किन है, स्किन टोन है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा मैट फिनिश चाहिए होता है तो गो फॉर दिस कंसीलर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इन दोनों में अगर आप बेस्ट की बात करना चाह रहे हो तो मेक श्योर आप ये वाला कंसीलर परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा कंसीलर है, मुझे इसके काफ़ी बेनिफिट लगे हैं। तो गाइस ये था मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मैंने लिपस्टिक वेयर करी है वो है शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक में से रितिक पिंक, इसका शेड है 07। आप इसे नायका से परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने इयररिंग पहन रखे हैं वो आप वो इयररिंग्स जो है मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए हैं, मेरा इयररिंग हॉल वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ब्लू आईलाइनर वेयर किया है वो इनसाइड ब्रांड का है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, अंडर 60 रुपीज़ के अंदर है, इजीली आपको मिल सकता है। तो आप लोग ऐसा लुक रेडी करने का सोच रहे हो तो मेक श्योर आप ऐसा लुक रेडी कर सकते हो। सो गाइज ये था मेरा वीडियो, थैंक यू गाइज, बाय बाय।